नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जी10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वर्णिम कसाना। आज की बड़ी खबर आ रही है मंत्री बीएल वर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। भाजपा के घोषणा पत्र को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मंत्री बीएल वर्मा ने कहा, ये घोषणा पत्र संकल्प पत्र है जिसे भाजपा पूरा करेगी। आज देश में विकास हो रहा है, गाँव की सड़कों को शहरों से जोड़ा जा रहा है, गाँव के लोगों को मोदी सरकार में रोजगार मिल रहा है। पहले की सरकारों पर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने साधा निशाना, कहा पहले गांव में कुछ काम नहीं हुआ, चारों तरफ विकास हो रहा है। कहा पिछले 10 सालों में एयरपोर्ट बने हैं, कई नई रेलों को लाया गया है, बुलेट ट्रेन बनाई गई है, जनता के सफर को आसान बनाया गया है। बीजेपी अपने वादे पर खरी उतरी है। भाजपा ने कहा था भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा, वो आज बनकर तैयार हो गया, पूजा पाठ हो रहा है। श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर विपक्ष के नेताओं पर जमकर बरसे केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा। कहा इन लोगों ने हमेशा मंदिर निर्माण का विरोध किया है, हमने धारा 370 को हटाया है। जम्मू कश्मीर में आज उनके हाथ में पत्थर नहीं, कलम और कंप्यूटर है। पहले पत्थरबाजी होती थी, आज जम्मू कश्मीर में शांति है। मंत्री जी ने कहा आज देश की सीमाओं पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, आज देश की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। आज देश में किसी के धर्म को देखकर योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाता, सबको बराबर देखा जाता है, सबका विकास हो रहा है। आइए खुद केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा का पूरा बयान सुनते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, ऐसी और खबरों के लिए बने रहें जी10 न्यूज के साथ। धन्यवाद। 2014 से लेकर 2024 तक जो मोदी ने कहा उसे पूरा किया, और 2047 का रोड मैप ये हमारा संकल्प है, और 2014 से लेकर विकसित भारत बनाने के लिए गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जो हमने योजनाएं हम चला रहे हैं उनको आगे बढ़ाने का संकल्प भी है, और साथ ही साथ विकास के साथ साथ राजस्व को संभालने का भी संकल्प है। और जो हमने कहा था धारा 370 राम मंदिर जैसी चीज उनको पूरा करने का काम किया है, और आने वाले समय में वन नेशन वन इलेक्शन और यूसीसी जैसी चीजों को भी लागू करने के लिए भी हमने संकल्प पत्र में संकल्प किया है।